नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम आगे आईकिया की सबसे बेस्ट पार्ट में, जो जनरली लोग कहते हैं खाना खाना खाना। तो आपको भूख लगी होगी, हम लोगों को भी भूख लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना अभी खाने के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैं आपको पूरा खाने के बारे में बताऊंगा, उसके रिव्यू बताऊंगा कैसे यहाँ पे प्रोसेस है खाना लेने का, और कितना देर आपको लग सकता है, और क्या बिलिंग आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे जुड़े रहिए। अभी हम आ गए हैं खाने वाले उसमें। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ट्रॉली। अरे आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे ट्रॉली का क्या करना है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम है। मतलब आप पहले ट्रॉली ले लो, फिर ये प्लेट से ये ले लो, और फिर अभी आपको आगे आप देखते जाओ। पिंक के पहले अपने खुद के आइटम्स हैं, जो कुकीज़, चाय, स्वीडिश फूड कह रहे हैं जो, और उसके बाद आपको जैसे एक कप उठाना पड़ता है, या एक उठा लो दो उठा लो, और वहाँ पे जो ग्लास है वो ग्लास उठाने हैं। उसका पर्पस क्या है वो आपको बाद में दिखाते हैं हम, क्या पर्पस होगा वो ये है बेस्ट पार्ट। आप देखो इसको, आपको खोलना है और जैसे जो भी आपको अच्छा लगे आप उठा सकते हो। तो अभी हम क्या लेंगे, हम आगे से लेंगे, इसमें से नहीं ले रहे। तो ये तो अपना मैंगो केक है, ये ब्राउनी है, प्लम केक है, और यहाँ पे एक चॉकलेट केक है, ये पानी है, यहाँ भी पानी है। तो अभी देखना क्या क्या होने वाला है, केक कितना अच्छा दिख रहा है। ओए होए, मतलब शाइन, आप वो हो जाओगे, आप देखोगे तो पास से वाला ड्रोर। और हमने भाई जो भी लेना आप उठा लो, तो हम यहाँ से अभी जैसे हमने चीज़ केक उठा लिया, और इसको अब हम रखेंगे अपनी बास्केट में, हमने बस बास्केट। अब हमें बिल विल नहीं करना, आप देखते जाओ अभी ऐसे मस्त, कुछ भी उठाओ और कुछ भी खाओ। तो अभी अच्छा, बिल तो करता ही। तो अभी तो देखो पानी की बोतल उठा रही है, तो और आगे देखिए क्या क्या मस्त चीज़ें हैं। अभी वेज पनीर है, ये दाल मखनी है, ये वेज बोल्स हैं, सब्जियाँ हैं उसके साथ, आप चूज़ कर सकते हो। तो अब देखो इंदू ने भाई उठा लिया भाई अपना, तो पनीर का ले लिया। अभी ये वेज बोल्स जो मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि इनका शायद कुछ फेमस है वो चीज़। अभी इन्होंने एक ये दे दिया, ये क्या है भाई? ये एक्चुअली स्वेडन का झंडा है, और ये बॉल्स हैं वेजिबल्स, ये पता नहीं क्या आपको खा के बताएंगे। और ये अपना पनीर, और ये देखिए क्या क्या। और मफिन लेना है तो आपको, अभी मफिन में कुछ सेल सी चल रही है आज, तो गाजर का हलवा भी दिख रहा है, और ये सूप विद ब्रेड रोल सूप है, आगे रोल्स हैं तो आप ले सकते हो। ये सूप देखिए, कॉर्न सूप लग रहा है हमें भी। और आगे भाई आपको ब्रेड लेना है तो आप वो ले सकते हो। ये पता नहीं कुकी है गट, ये ओट मिल कुकी है, ये डार्क चंक कुकी है, और फिर बस अपना ये अपना भी पोटैटो चिप्स लेने वाले कुछ लोगों के लिए, तो लेना तो आप ये भी ले सकते हो, पोटैटो वेजीज 74/2 पोर्शन, ये ऐसे है। ये चॉकलेट स्प्रेड है, ये ऑरेंज स्प्रेड है, और ये फ्रेशली बेक्ड, और ये भैया हैं अपने, और ये सब बाकी। आपको अगर पानी वानी कुछ उठाना है तो आप रस्ते में ले सकते हो। और यहाँ पे आलमंड्स भी है इनका, जैसे भाई कैश्यू आपको लेना है। तो कई बार क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि यार जो अपना ग्लास व्लास था भाई भूल गया मैं, ले जाना लेना भूल गई, तो ड्रिंक्स जैसे रखे आप वापस उठा लो, यहाँ से ग्लास उठा ले लो, कप वापस उठा लो भूल गए। तो जैसे भाई चॉकलेट अगर किसी को लेनी है, टमाटो केचप, आप वो भी उठा सकते हो। सर ये सब तो हो गया, लेकिन अभी तक बिलिंग तो अपनी आई नहीं यार। मतलब बिलिंग तो अभी क्या खा के निकलना है क्या बस अपन को यहाँ पे, ऐसे मस्ती काटने का है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो आप देखोगे आगे अपने भैया खड़े हैं, अब ये कर रहे हैं बिलिंग। तो मतलब ये है सारा सेटअप, पहले आप यहाँ से ट्रे लो और जो भी सामान आपको लेना है उठाओ, सामान उठा के अपना जो भी पिकअप करके आप यहाँ पे आओगे, और फिर यहाँ पे आपको बिलिंग करवानी है। और अभी जो आपने कप लिए हैं उसमें अभी तक कुछ भरवाया तो अपन ने नहीं अभी तक, उसका भी आपको बताएंगे कि उसका क्या फ़ायदा है, खाली कप ले जाने का क्या मज़ा है, अपना ही अलग मज़ा आ रहा है। लेकिन वो खाली कप पता है आपको कितने के हैं? ये खाली कप 74 रुपीज़ के हैं, 74 के। तो लेकिन खाली कप है, अभी कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना हमको, तो अभी देखते हैं। भैया ने अपना बिल कर दिया है और दे दिया है, हमने पेमेंट कर दिया है। और एक भैया आज खुशी के मौके पे हमें एक फ्री आइसक्रीम का कूपन भी दे रहे हैं। तो अभी अपना ये खाली कप आ गया है ना, अब इस खाली कप का करना क्या है? तो अभी आप यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप अनलिमिटेड, मतलब कितना ही ये जो आइटम्स में कॉफ़ी, हॉट मिल्क, वाटर,
कितना ही आप ले सकते हो, मतलब आपको ऐसा नहीं दोबारा दोबारा भरवाना। कई बार होता ना भाई, ये कॉफ़ी मिल के काफ़ी हो गया, कई बार नहीं भरता उससे, तो इसमें अनलिमिटेड लो आप। इसमें अनलिमिटेड कॉफ़ी लो और दूसरी मशीन में आप अनलिमिटेड वो लो, जूस लो, जूस ग्लास में आप, वहाँ ग्लास में क्या लेने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ भाई कैपेचिनो ले लो भाई, अपना बेसिक है सबसे, उसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं। और यहाँ पे अपनी शुगर है भाई, कई लोग नॉर्मल शुगर लेते हैं, कोई ब्राउन शुगर लेते हैं, ये भाई अपना स्टिक घुमाने के लिए, तो अभी अपने डाल दिया, ये अपना देखो भर गया फ्री का 74 में अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब आप, कई लोग होते हैं ना जिसको खूब पीने का शौक आने का होता है, वो अपना यहाँ पे वसूली कर सकते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले खाएंगे वेजीज, जो बॉल्स हैं वो कैसी हैं, तो उसके ऊपर एक तो फ्लैग है वो, तो ये अपना इस पे क्रीम सा कुछ, और ये क्या है आपको पता है क्या लग रहा है? कोई आइसक्रीम, ये मैश पोटैटो है। अच्छा तो वो है, तो जो अपना मंचूरियन होता है ना वैसा सा ही है, बट ये कम ऑयली लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और ये तो अपना नॉर्मल सब्जी है, बॉइल्ड ये मोस्ट पोटैटो है भैया, अपना नॉर्मल है सबका। बाकी हमारे पास चीज़ केक है, जो आपको मैं तो आखिर में बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। और ये पनीर वनीर है, ये सब भी खा के बताते हैं। लेकिन हमने एक और चीज़ ली है, पोटैटो वेजीज जनरली जो अपन खाते हैं, फिंगर फ्राइज, लेकिन थोड़ा इसमें क्या लगा है कि मसाला सा लगा रखा है, जो पिज़्ज़ा का मसाला होता है, तो इट्स गुड। लाइक जो पोटैटो के ऊपर हल्का हल्का जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर मसाला डालते हैं ना, वैसा सा है मतलब, और काफ़ी अच्छा वो है बेक। देखिए आप, पोटैटो की लेयर भी उतर रही है। और फिर अपना ये अपना पनीर है, तो अगर पनीर खा के देखें भाई, वैसे तो पैटी श्रेष्ठ वो है ये कंपनी, लेकिन पनीर तो देसी होना चाहिए ना, सच में बहुत अच्छा है। थोड़ा खट्टा सा टमाटर की तरह, लेकिन ठंडा पड़ा है कि बताता हूँ आपको, मतलब आपको देखना है कि भी ठंडा है, चावल भी ठंडे हैं और ये भी नॉट सो हॉट, तो मतलब वैसे खाना ठंडा है लेकिन टेस्ट वाइज अच्छा है, अब पता नहीं क्या रीज़न है उस चीज़ का। ये बॉल्स भी थी, ये भी थोड़ी ठंडी सी थी, मतलब गर्म नहीं थी इतनी, तो वैसा है मतलब खाने वाइज इट्स गुड, टेस्ट वाइज इट्स गुड, बट अगर आप कहोगे भी मेरे को गर्मा गर्म खाने शौक है, तो वो नहीं आपका शौक पूरा हो पाएगा। तो शायद कई बार प्रिकॉशन के मेजर पे भी लोग ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं देते हैं कि भाई किसी का कुछ जल जाए, किसी कुछ हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल आई विल से कि आप खाना ट्राई कर सकते हैं, और ये चीज़ केक तो अपना खा ही लेते हैं, स्मूथ मुँह में पिघल गया, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और अगर आप आई के आ रहे हो, सोच रहे हो, तो कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।